प्रेजेंटेशन कुड हैव बीन बेटर, प्रेजेंटेशन जो थी फिल्म की वो और बेटर हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन. इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अभिराज मीना वाला, उन्होंने डायरेक्शन काफ़ी वीक की है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली वन ऑफ द स्लोएस्ट डायरेक्शन आई हैव एवर सीन. मतलब स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही है ऐसा लग रहा है मूवी के दौरान. हालांकि इट्स अ म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, आप बोर नहीं होंगे मूवी में. अगर आपको नवरात्रि का फील लेना है, नवरात्रि का वाइब लेना है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं. बात करते हैं दोस्तों मैं स्टोरी की, तो ये स्टोरी है टिपिकल जो फेमिलियर गुजराती सेटअप होता है वहाँ की स्टोरी है. जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर आयुष का, कैरेक्टर का नाम है सुश्रुत, और जो कि शॉर्ट फिल्म में जिसको सुसु बुलाते हैं, और फीमेल कैरेक्टर वरीना हुसैन, उनका नाम है मिशेल, जिनका नाम मनीषा भी है. तो चार पांच नाम है आई गेस, ठीक है, दो नाम है, सुसु और मनीषा पकड़ के चलते हैं. आयुष एंड वरीना की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो इनके दो कैरेक्टर्स हैं, ये अपने अपने जगह पे स्टैब्लिश किए जाते हैं. वरीना के कैरेक्टर को ये लोग लंदन में स्टैब्लिश करते हैं, वहीं आयुष के कैरेक्टर को गुजरात बड़ोदरा में स्टैब्लिश किया जाता है, जहाँ की वो एक डांस टीचर है, गुजराती डांस टीचर है, वो डांस सिखाते हैं, जिनका एम है लाइफ में खुद का डांस अकेडमी होना, लेकिन उनके पापा को ऐसा लगता है कि वो गुड फॉर नथिंग है. वहीं वरीना वो क्लास टॉपर है, और उनके पापा रौनक रॉय जिन्होंने प्ले किया है, वो एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, और वरीना जो कि लंदन में पली बढ़ी है, उनकी हमेशा से ख्वाहिश है कि वो एक बार इंडिया जाएं नवरात्रि के टाइम पे, जस्ट टू फील द कलर्स, जस्ट टू फील द मैजिक ऑफ यू नो इंडियन फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट स्टफ. और उसके चलते वो आती है इंडिया, उनकी ये विश फुलफिल कर देते हैं उनके पापा फाइनली, और वो इंडिया आती है. और जब वो इंडिया आती है, तो उनकी मुलाकात होती है द डांस टीचर, द नवरात्रि स्पेशलिस्ट एंड व्हाटएवर, जैसा भी आयुष को पोर्ट्रेट किया गया है, उनकी मुलाकात होती है आयुष से. फिर वही जो बॉलीवुड फिल्मों में होता है, दोनों को प्यार हो जाता है, और फिर आती है एक मुसीबत. यस, जैसे ही दोनों को प्यार होता है, वैसे ही वो चीज़ बढ़ने से पहले ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वरीना गुस्सा होकर या नाराज होकर चली जाती है वापस बैक टू लंदन. लेकिन यहाँ आयुष का दिल नहीं लगता उनके बिना, और कहीं ना कहीं वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. उन्हें रियलाइज होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वरीना से, वो रह नहीं सकते उनके बिना, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उन्हें मनाएंगे और कन्विंस करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँ राम कपूर को, जो कि मामा बने हैं, क्योंकि हर लव स्टोरी में एक सपोर्टर तो होता ही है जो थ्रू आउट द मूवी सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो राम कपूर हैं. उन्होंने अपना रोल काफ़ी रिसेंटली निभाया है, तो राम कपूर जाते हैं उसके साथ और वो सपोर्ट करते हैं इनकी लव स्टोरी को. एट द एंड कैसे वो हर्डल्स को क्रॉस करके इस बैटल को फाइनली जीतते हैं, एंड देन उनकी लव स्टोरी जो है वो वापस ट्रैक पर आ जाती है, लव स्टोरी. तो ऑल इन ऑल जो स्टोरी है वो इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू, बट ऑल्सो पुरानी चीज ही प्रेजेंट की गई है. लव स्टोरी सेम ही होती है, हीरो हीरोइन को प्यार होता है, बाद में वो एक साथ आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भूल जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, द सेम थिंग. बट येस, इट इज नॉट बोरिंग एट ऑल. अगर आपको बस वीकेंड पे करने को कुछ नहीं है, नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि का फील आने वाला है, तो एक ही मूवी में दोस्तों 6-6 गाने हैं, जहाँ की कोई सीरियस सीन होता है या कुछ सीरियस होने वाला होता है, तो वहाँ एक गाना आ जाता है. सो मोर ओवर इट्स अ म्यूजिकल ड्रामेटिक लव स्टोरी. और बात अगर मैं करूँ एक्टिंग की, तो दोनों ही डेब्यूटांट्स हैं, वरीना और आयुष, दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी कन्विंसिंग लगे. आयुष जिनको
प्ले ही करना था एक इनोसेंट स्वीट बॉय यू नो जो अभी भी प्यार में पड़ा है, जिसको ज्यादा पता नहीं है प्यार के बारे में, सेम उस पर बरीना। तो दोनों ही अपने रोल्स में कन्विंसिंग है, दोनों ही एवरेज परफॉर्मेंस एटलीस्ट दोनों ने दी है, बुरी परफॉर्मेंस किसी की नहीं है। और अगर बात करूँ मैं आयुष की, तो डेफिनेटली उसका एक चॉकलेट बॉय लुक आ रहा है, जो कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से परफेक्टली बैठ रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ वरीना की, तो डेफिनेटली वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही, और दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस काफी चार्मिंग है विदाउट अ डाउट, एंड केमिस्ट्री डेफिनेटली अच्छी है दोनों की। बीइंग अ डेब्यूटेंट एक्टिंग के मामले में दोनों ने अच्छा ही काम किया है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। बट अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो यस, आई एम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड विद द स्टोरी, नॉट हाईली डिसअपॉइंटेड बट यू आर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था शायद कोई मेजर ट्विस्ट आना चाहिए स्टोरी में, जो कि नहीं आया। इट्स अ नॉर्मल लव स्टोरी जो आपने डेफिनेटली कई बार देखी होगी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों गानों की, तो गाने कहने वाली बात नहीं है, लेकिन सारे ही गाने मोस्टली गाने डांसिंग नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि आयुष का जो कैरेक्टर है वो एक डांस टीचर का है, जिसका सपना है खुद की डांस अकेडमी खोलना। तो डेफिनेटली गाने जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो डांसिंग नंबर्स ही हैं। और अगर अब मैं बात करूँ सपोर्टिंग कास्ट की, तो राम कपूर हो, रौनक रॉय हो, या आयुष शर्मा के जो फ्रेंड्स हैं फिल्म में, ये जितने भी सपोर्टिंग कास्ट हैं, इन्होंने डेफिनेटली अबव एवरेज परफॉर्मेंस दी है। मूवी को एक लेवल उठाने में डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा हाथ है। और कहने वाली बात नहीं है, बट राम एंड रौनक एक ही मूवी में हो और मूवी अच्छी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही आर्टिस्ट ए लेवल के हैं, और दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मूवी में भी। और दोस्तों अगर बात करी जाए मूवी के कट्स की, तो जो फर्स्ट हाफ है मूवी का वो काफ़ी एंटरटेनिंग है, गाने हैं, हैप्पी फील है मूवी का, हैप्पी वाइब्स है मूवी की। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंड हाफ की, तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा, बिकॉज सेम लव स्टोरी है, हमें पता है क्या होने वाला है, एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे, बट वो थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा ऑडियंस बोर हो जाएगी कि यू नो बहुत स्लो जा रही है मूवी यार, थोड़ा जल्दी बढ़ाओ मूवी को एंड ऑल दैट स्टफ, वो फील आपको थ्रू आउट नहीं बढ़ा। सेकेंड हाफ के बाद डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी स्टोरी को काफ़ी ड्रैग किया गया है सेकेंड पोर्शन में। एंड अगर मैं लूप होल्स की बात करूँ, तो वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल्स यही है कि डायरेक्शन काफ़ी वीक है मूवी का। मूवी अपने टाइम से थोड़ी पीछे चलती है, मतलब जहाँ ये चीज़ हो चुकी होनी होती है उस चीज़ को काफ़ी ड्रैग करते हुए उसको स्लो मोशन में दिखाया गया है, और अननेसेसरी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ऐड हुए हैं फिल्म में। तो ये कुछ एक आधे लूप होल्स थे। मूवी में स्टोरी कम है दोस्तों, और म्यूजिक ज़्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप है, बिकॉज जितना हम स्टोरी के लिए क्रेव करते हैं, लेकिन उतनी आपको वो क्रेविंग आपकी फुलफिल नहीं होती है। बट ऑल इन ऑल अगर मैं पूरी मूवी की बात करूँ, तो इट्स अ वन टाइम वॉच, यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक द फील ऑफ नवरात्रि, क्योंकि बहुत जल्दी नवरात्रि आने वाली है। सो मैं इस मूवी को देना चाहूँगी 3 stars, 2.5 देती बट हाफ स्टार्स फॉर द गुड सपोर्टिंग कास्ट, बिकॉज सपोर्टिंग कास्ट ने एक्चुअली मूवी को काफ़ी सपोर्ट किया है इन अ गुड वे। एंड ऑफकोर्स द मूवी इज लाइट हार्टेड फैमिली वॉच, फैमिली एंटरटेनर, सलमान खान लेकर आए हैं मूवी, तो फैमिली एंटरटेनर होगी ही होगी। डेफिनेटली जाइए अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और आप इस वीकेंड ही मूवी डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवीज अड्डा।